हेलो डॉक्टर अनुपमा, मेरा नाम आरजे सुमी है और आपसे बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थी मैं, बिकॉज वुमेन्स के जो बातें होती है वो काफी होती है, हमेशा धीरे धीरे की जाती है. तो लेट्स जस्ट शाउट आउट फॉर वुमेन्स. कुछ ऐसी वुमेन्स थी जिन्हें बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी और उनसे कुछ क्वेश्चन गैदर किए हुए हैं, जी नॉर्मल क्वेश्चन. सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. नमस्कार. थैंक यू आरजे सुमी फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक विथ यू अबाउट वुमेन इश्यूज ओवर रेडियो ऑरेंज. मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन मेदांता हॉस्पिटल रांची हियर फॉर लास्ट 5 years. कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिक सर्जन हियर. आई हैव डन माई MBBS एंड MS इन ऑब्स एंड गायनी फ्रॉम कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता. And have done my 2 years training in reproductive medicine and IVF from Ruby Hall Clinic, Pune. And from there, I'm back here in Ranchi to my hometown. Okay, great. So, Anupama ji, here are some questions I have. Abnormal uterine bleeding, actually, kya hoti hai? जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, दिस टर्म इज यूज टू डिनोट एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग. कोई भी ब्लीडिंग जो एक किसी भी औरत के नियमित मासिक धर्म से अलग कुछ भी होता है, उसके एक सेट पैटर्न से कुछ भी अलग तरह के ब्लीडिंग को हम एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग कहते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में. मतलब जो पीरियड्स के अलावा आती है, जब पीरियड्स नहीं होते तब आती है ब्लीडिंग, उसको एब्नॉर्मल. इट मे बी पीरियड्स के अलावा और ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हिच द वुमन वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग अर्लियर. एनी चेंज इन इट्स पैटर्न हैवी इज एब्नॉर्मल. नहीं आना, इट इंक्लूड्स कम ब्लीडिंग का कम या ज्यादा आना, या बार बार जल्दी जल्दी आना या नहीं आना, इफ वी कैन एक्सक्लूड प्रेगनेंसी फ्रॉम दैट. एंड या फिर बीच बीच में, मासिक के बीच बीच में वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लडिंग, स्पॉटिंग, ये सब कुछ को डिनोट करता है एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग. ओके, सो हाउ डू वी मैनेज इट? व्हेनेवर अ लेडी प्रेजेंट्स टू अस इन गायनेक ओपीडी विद दीज प्रॉब्लम्स, एक्चुअली लेट मी टेल यू, अराउंड 20% ऑफ द लेडीज, 20% महिलाएं कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरह के प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करती हैं. किन्हीं को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, किन्हीं को बहुत पेनफुल हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, क्या कुछ लोगों को बहुत ही कम या नहीं के बराबर ब्लीडिंग हो रही है, एंड दैट ट्रबल्स देम एंड मेक्स देम कम टू अस फॉर सीकिंग एडवाइस. व्हेनेवर कोई महिला कभी भी जब हमारे पास इस तरह की कोई समस्या लेकर आती है, तो सबसे पहले हमारा कंसर्न होता है टू रूल आउट एनी कॉमन सीरियस पैथोलॉजीज. सो वी ऑर्डर अ सेट ऑफ ब्लड टेस्ट्स फॉर देम, डू अ डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड देन डेफिनेटली ऑर्डर अ सेट ऑफ ब्लड टेस्ट्स एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन और मोर प्रिसाइजली अ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, ताकि हम इन टोटैलिटी पेशेंट को असेस कर पाए कि आखिर क्या हो रहा है जिसकी वजह से उसकी एक नॉर्मल पैटर्न से अलग हटकर इस तरह की ब्लीडिंग की समस्या हो रही है. डे टू डे लाइफ में हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से ये चीजों में हम एंड अप होते हैं? कुछ हमारी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम आती है क्या इस तरह? लाइफस्टाइल, यस. एक्चुअली बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स कैन लीड टू दिस, एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स आर बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ओनली. ओबेसिटी, डायबिटीज और भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज कैन लीड टू ऑल दीज थिंग्स. ओके, फाइब्रॉइड यूटरस क्या होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली जो हमारी गायनी प्रैक्टिस में है, हम लोग जब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो फाइब्रॉइड यूट्रस एक बच्चेदानी की गांठ होती है. बच्चेदानी में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ से. लेट मी टेल यू, दिस इज अ बेनाइन कंडीशन. कैंसर की संभावना
इसमें ना के बराबर होती है, बट इट इज प्रिटी कॉमन. अराउंड 60-70% ऑफ लेडीज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कैन हैव फाइब्रॉइड यूट्रस. मेरी शायद ताई जी को भी यूटर्स के एरिया में एक बड़ा सा काट है एंड यस, बट उनके दो बच्चे हैं अच्छे खासे हेल्दी, तो इससे कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं जाती. एज यू हैव सेड योरसेल्फ, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन मेक आउट कि जैसे मैंने पहले कहा कि 60-70% महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, एंड इसलिए वो कभी, उन्हें पता भी बहुत सारी महिलाओं में बहुत बार डिटेक्ट भी नहीं होता है फाइब्रॉइड यूट्रस, बट व्हेनेवर इट गिव्स यू सिम्टम्स तो फिर वो हमारे पास आते हैं, एडवाइस सीक करते हैं, एंड देन डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड. वो इंटरनली आता है या हमेशा बॉडी पे विजिबल होता है वो? इट्स नॉट, जो ट्यूमर होता है. हाँ वही मैंने कहा एसिम्टोमेटिक, ज्यादातर केसेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और किसी इलाज की भी जरूरत होती है. सिम्टम्स जो फाइब्रॉइड यूट्रस के नाते हो सकते हैं महिलाओं में वो है हेवी ब्लीडिंग, मेंसेस के टाइम में हेवी ब्लीडिंग या फिर पेनफुल ब्लीडिंग, बीच बीच में मासिक के बीच बीच में वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे बार बार यूरिन होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन, या फिर एक लंप या मास महसूस करना पेट के निचले हिस्से में. और कुछ महिलाओं का डिटेक्शन, फाइब्रॉइड का डिटेक्शन तब होता है जब वो इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या लेकर डॉक्टर्स के पास आती हैं और उनका वर्कअप होता है. ओके, मैंने सुना है कि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं स्पेशली वुमेन्स, तो जब वो जंप करते हैं तो वो अपने यूरिन को शायद कंट्रोल नहीं कर पाते, ये केसेस आते हैं, तो इसमें भी ट्यूमर का हिस्सा, मतलब ट्यूमर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और सिम्टम है ये, ऐसा होता है? जैसा कि आपने कहा कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि पेट के निचले हिस्से पे जब दबाव पड़ता है, तो हमारे मेडिकल टर्म्स में इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. ये डेफिनेटली ज्यादातर नीचे के मसल्स जो होते हैं हमारे वजाइना के अराउंड के मसल्स वीक हो जाने की वजह से, उनका कंट्रोल लूज हो जाने की वजह से अक्सर होता है. लेकिन हाँ, कभी कभार कुछ केसेस में फाइब्रॉइड के नाते भी पेशाब की थैली पर दबाव पड़ने से ऐसा हो सकता है. ओके, ये लूज जो हो जाते हैं इनके क्या क्या रीजंस होते हैं और इन्हें स्ट्रेंथ देने का क्या वो है तरीका? रिपीटेड चाइल्ड बर्थ इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग लूज लेग्स वजाइनल मसल्स. इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पुअर होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब कारणों से नीचे के मसल्स लूज हो जाते हैं. ओके, मेनोपॉज एक कंडीशन होती है जब हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है एक एज के बाद, तो पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग भी कुछ होता है क्या? जैसा कि नाम ही बता रहा है आप लोगों को, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग इज अ ब्लीडिंग जो बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती है, जो कि एक बार मासिक परमानेंटली बंद हो जाने के बाद कोई औरत एक्सपीरियंस करती है, विच वी यूजुअली कंसिडर 1 ईयर ऑफ कंप्लीट सेसेशन ऑफ मेंसेस. मासिक 1 साल तक पूरी तरह बंद रहने के बाद अगर किसी को इस तरह की अबनॉर्मल ब्लीडिंग एक्सपीरियंस होती है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. Usually the age of menopause in our country is 45 to 55 years, and any bleeding extending beyond 55 years, we should consider postmenopausal bleeding. Okay, so इसके implications क्या होते हैं और इन्हें किस तरह manage किया जाता है? मैं इस बात को highlight करना चाहूँगी कि postmenopausal bleeding जो है, उसे seriously लिया जाना चाहिए, और किसी कोई भी महिला जो इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही है, उन्हें एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए. जब भी कोई डॉक्टर के पास वो आती है, कोई महिला पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग लेकर आती है,
तो हमारा सबसे पहला कंसर्न जो इस एज ग्रुप में होता है वो है कैंसर को रूल आउट करना। इसके लिए हम महिला की एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद उनका एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के रिस्क असेस करते हैं, जरूरत पड़ने पे बायोप्सी के लिए गाइड करते हैं। इसके अलावा एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें हम बच्चेदानी की स्थिति पता करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि बच्चेदानी की झिल्ली मोटी है या कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो हम फर्दर इवेलुएट करते हैं, मोस्टली बाय हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन की जांच। ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम बच्चेदानी के अंदर एक पेन की तरह का कैमरा डालकर बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली को स्टडी करते हैं और जरूरत पड़ने पर कोई एबनॉर्मैलिटी मिलने पर उसको जांच के लिए भेज देते हैं। ओके, ये ओनली ऑप्शन बचता है जब सारे ऑप्शंस हम क्लियर कर लेते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी। जी 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 जी, बच्चेदानी की दूरबीन से जांच। और ये जो एडवांटेज ऑफ मिनिमली इनवेसिव या फिर एंडोस्कोपिक सर्जरीज, इनके क्या एडवांटेजेस हैं? जैसा कि आपने कहा कि मिनिमली इनवेसिव सर्जरी मतलब कि इसमें हम किसी के बॉडी में मिनिमल डिसरप्शन करके उसकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो इसके डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, जैसे कि पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाता है, टांके चीरे कम से कम लगते हैं, ब्लड लॉस कम से कम होता है, और पेशेंट की काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है एंड दे रिटर्न बैक टू देयर नॉर्मल लाइव्स विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। एंड जहाँ तक बात करें कि कॉस्ट, तो कॉस्ट are almost equivalent when we consider the number of hospital day admissions and all. लगभग सब कुछ बराबर है। जी, मेनोपॉज में आने के बाद आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहती हैं कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को ट्रीट करें फॉर अ बेटर हेल्थ? मेनोपॉज एक बार हो जाने के बाद महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो एक इंटरनल हार्मोनल सपोर्ट थी वो कम हो गई है। सो दे शुड ट्राई टू हैव एन एक्टिव लाइफ, जितनी संभव हो एक्टिव लाइफ लीड करें, डाइट अपनी हेल्दी रखें, स्पेशली दे शुड इंश्योर इनटेक ऑफ कैल्शियम रिच डाइट, जिससे कि उनकी हड्डियों पर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी का कम असर हो। They should seek regular advice from medical persons, not necessarily gynecologist, but yes, medical advice उन्हें time to time seek करना चाहिए, regular medical checkups कराते रहने चाहिए, and that's it. और जो young girls हैं जो बहुत pain महसूस करती हैं during their periods और कभी कभी issues हो जाते हैं उनकी जो physical life होती है उसके बाद, तो उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? पेनफुल मेंसेस एज सच काफी महिलाओं को, लगभग 50% महिलाओं को होते हैं। ज्यादातर महिलाएं डोंट रिपोर्ट बिकॉज दे एक्सेप्ट इट एज इट इज, उन्हें लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये है, बट आई वॉन्ट टू कन्वे देम दैट नो, इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वुमेन्स एग्जिस्टेंस। पेन कैन बी एलिविएटेड विद सिंपल मेडिकेशंस, वो इसके बारे में सलाह लेकर एक बार कोई बीमारी नहीं है ये इंश्योर करके, उसके बाद दे कैन इजीली मैनेज देयर पेनफुल मेंसेस विद सिंपल मेडिकेशंस और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकती हैं। दे डोंट नीड टू ड्रॉप आउट दोज 4 days फ्रॉम देयर लाइव्स एवरी मंथ। मेदांता में किस तरह की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीपल रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? मेदांता में हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, या कहें हम कॉमन टर्म्स में जो हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन की सर्जरी या लेजर सर्जरी कहते हैं, उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यहाँ पे जो सर्जरीज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज जो छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं वो डे केयर बेसिस पे हम कर लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपीज, ये सारी सर्जरीज डे केयर बेसिस पे होती हैं और पेशेंट कैन कम एंड गो बैक इन अ सिंगल डे। एंड जो बाकी मेजर सर्जरीज होती हैं उनमें भी वी ट्राई टू मिनिमाइज देयर हॉस्पिटल स्टे। हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं फॉर ऑल द सर्जरीज इंक्लूडिंग लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमीज एंड वी आर डूइंग प्रीटी रेगुलरली दीज सर्जरीज। एनीवन नीडिंग एनी एडवाइस कैन सी इट फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वाइज वर्ड्स। आई एम श्योर ये काफी महिलाओं को काफी हेल्प करेंगे। इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।